ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो फिर बहुत ही मामूली सा छोटा सा राज है। कितनी देर छुपा रहेगा? नहीं तुमने जितनी जल्दी अपने पांव टेबल पे रखे थे तुम्हारे लिए बेहतर है, उतनी ही जल्दी अपने पांव जमीन पे रख लो, क्योंकि औकात में रहना अच्छी बात है एंड माय डियर तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं। कोई औकात नहीं है तुम्हारी, समझी? पुलिस तुम्हें पकड़कर लेकर क्यों जाएगी? जवाब तुम्हें मिल चुका। मुझे बेवकूफों की तरह बात दोहराने की आदत नहीं है। मगर एक बात याद रखना जोया, जब इंसान बार बार टूटता है और बार बार बिखरता है और बार बार खुद को कंपोज करता है, करेज दिखाता है, खड़ा होता है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू, और बस दुआ करना कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। आपको कुछ तो और पता होगा, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आप और भैया मामू जानते हो, इसलिए कह रही हूँ, अपने ज़हन पर ज़ोर दीजिए। खुदा के वास्ते बीबी, बस यही सब कुछ था जो बता दिया, और करना क्या है गड़े मुर्दे उखाड़ के? हाँ नसरीन जा चुकी, ज़ायरा तुम्हारे रास्ते से हट चुकी है, ये घर तुम्हारा है, ये कमरा मेरा है, अब अपने मियाँ पे तवज्जो दो और मियाँ को काबू करना सीखो बस। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, भैया मामू ने फिर से एक नया खड्डा खोदना शुरू कर दिया और सबसे पहले वो हम दोनों को उसमें ढकेलते। तो पंगे क्यों लेती हो भैया भाई से? बना के रखो ना उससे। मैं आपके भैया भाई से पंगा लूं या ना, वो पहला मौका मिलते ही हमें रास्ते से हटा देंगे। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि अपने जहन पर जोर दीजिए, कोई ऐसी कमजोर कड़ी होगी, कोई ऐसी खुदा के वास्ते यही सब कुछ था जो बता दिया तुम्हें। नसरीन जफर से मोहब्बत करती थी, उसके साथ भाग रही थी, भैया भाई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जफर को इतला भिजवाई, नसरीन को गोली मार दी। अब तुम्हारी बारी, अगर बचना है तो भाग जाओ। अरे इस किस्से को गुजरे भी जमाने बीत गए, अब तो नसरीन भी इस घर में नहीं है, वो कमबख्त जफर भी कहीं मरखब गया होगा, बस यही सब कुछ था जो बता दिया। थैंक यू। नसरीन को गोली मारती है तुम्हारी बात। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं खाना लगा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं खाने की। हाँ खाना खाकर जो आए होंगे।
क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। चार दफा पूछूंगा तब भी तो बताओगी ना, तो अभी बता दो। मैं, मुझे लगता है मैंने ये शादी करके गलती की। सच्ची तो मैं पहले थी, कम तुम मेरी तरफ देख तो लेते, अब ना तुम मेरे साथ बैठते हो ना मुझसे बात करते हो। तो में कोई कमी कोई कमी नहीं है तुम्हें जोया, कमी कोई कमी नहीं है तुम्हें। अच्छा बैठो 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 यहाँ। भैया तुम जानती हो ना मैं किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं इस वक्त, कितना मुश्किल है मेरे लिए सर। ऐसे में ना तो कुछ करने को दिल करता है ना किसी से मिलने को दिल करता है। आई नो तुम मेरे लिए बहुत एफर्ट्स करती हो, लेकिन मैं प्यार का ड्रामा नहीं कर सकता इस वक्त। आई नो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी पूरा नहीं उतरा, लेकिन दैट्स हाउ आई एम राइट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड करो ना। मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम एक ही रात में बदल जाओ, शुरुआत तो कर सकते हो ना। और मैं कौन सा तुमसे बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, अपना हक ही तो मांग। मैं बस ये चाह रही हूँ कि अगर तुम मुश्किल में हो मुझे अपना साथ तो दे दे। बता, मैं ज्यादा नहीं 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 ज्यादा मांग रही तुम। ओके मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें तुम्हारा हक दूं। आई ट्राई माय बेस्ट बट भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ओके चलो ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर खाने पे चलते हैं। मैं चेंज करके आता हूँ, देन लेट्स गो। उमेर, उसे बहुत प्यार करती थी, मुझे कभी हर्ट मत करना ठीक है।